हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे ध्यान मुद्रा में, और उसके बाद तब प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो, दयानिधि करता ब्रह्मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर जीवन सफल बनाए। वह शक्ति हमें दो, दयानिधि करता ब्रह्मार्ग पर डट जा, हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन सन। हम कर जाए कर पाखंड झूठ अन्याय से निशे अपना प्रभु ध्यान रहे देव भूमि में जन्म दिया दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर समवाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में शकुंतला माथुर जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर शुरू कर चुकी हैं और उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित हैं, जो समवाई फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं और समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री ए एस सागर उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबनी सिंह उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं और हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा तुरे जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पूर्वा बाहेती जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं और समवाई फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच हमारे हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। हम लोग वहां के 3 मनीषियों के ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय जेपी अग्रवाल सर जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री एसएस सर्राफ। इन 3 मनीषियों के अतिरिक्त भी हमने अन्य गुरुओं से शिक्षा ग्रहण किया है, हम उनके प्रति भी श्रद्धा बनत है। वहां के जो संस्थान का मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन और ईच वन ट्रीट वन, उसको आपके माध्यम से
जन जन जागरण अभियान का हिस्सा बनाना चाहते हैं, हम लोगों का ये उद्देश्य है और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से यह अभियान पूरा होगा। तो हम लोग अब शुरू करते हैं आगे विषय को। आप लोग सब लोग अपने को म्यूट कर लीजिएगा तो हम लोग शुरू कराते हैं। हम लोगों ने वायु महाभूत को पढ़ा था और ये पाया था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनिशिएटर इसको कहा गया था। ये जो शुरुआत कोई भी चीज होती है उसको करता है, तो यानी शुरुआत का अगर कभी काम नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा किसी तरह का भी, तो उसको उसमें इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब जैसे इसमें देखिए दिया हुआ था कि अगर कभी बार बार जो है उसमें लिखा हुआ था कि अगर गर्भपात हो रहा है, मिसकैरेज अगर हो रहा है तो उसका कारण ये है कि वायु वायु को कारण बताया गया था। तो इसमें लिखा हुआ था कि हम लोग उसके जो यूट्रस है उसके चेतना प्रवाह में हम लोग वायु तत्व को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वायु तत्व की कमी की वजह से शायद हो रहा, क्योंकि वही पुष्पित करने काम करता है और आकाश तत्व को कम करके। तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 टोन 1 सीडेट दिया था। तो अगर हम लोग को ये वाला ट्रीटमेंट करना हो तो हम लोगों के पास क्या आश्रय है, इसका आसरा क्या है? आसरा ये है कि चेतना प्रवाह अगर हम लोग माने तो ये कर्मेंद्री के रूप में अगर आएगा तो कर्मेंद्री में हम लोगों ने इसको फिंगर नंबर 9 में रखा है। हम लोगों ने फिंगर नंबर 9 में रखा हुआ है। तो फिंगर नंबर 9 में अब हमको करना क्या है? अगर हमको मान लीजिए ये लग रहा है कि हमको अब हम पहले हम लोग 3 सूत्र बताए गए थे कि एक कोई भी प्रोटोकॉल बनता है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट हो कहाँ ट्रीटमेंट करें, फिर हम लोग क्या किस मेरिडियन का यूज करें, और फिर तीसरा हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल यूज करें। तो प्रोटोकॉल यहाँ तय है 2 टोन 1 सीडेट। हम इसमें 2-8 को भी ले सकते हैं, मन को भी ले सकते हैं 2-8 टोन और 1-7 सीडेट ये भी ले सकते हैं, क्योंकि दिशा और मन जो है दोनों एक दूसरे को, मन को शक्तिशाली बनाना है तो उसमें हम कर सकते हैं। लेकिन ये तो हमारा थर्ड स्टेप हुआ। पहला स्टेप कहाँ ट्रीटमेंट करें, तो उसमें लिखा है यूट्रस के चेतना प्रवाह में। तो हम लोगों ने फिंगर अगर हम कर्मेंद्री के रूप में देखेंगे तो कर्मेंद्री में हम लोगों ने इसको रखा हुआ, कर्मेंद्री क्यों कर्म करना है ना, कर्म है ये, तो कर्मेंद्री के रूप में हम लोगों ने इसको फिंगर नंबर 9 में रखा हुआ है। आप उसमें चार्ट में देखेंगे, इसी किताब में भी आगे 240 के बाद सारे प्रोटोकॉल्स सारे वो दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ उनको प्लॉटिंग कहाँ किया की गई है, वो प्लॉटिंग दी गई है इसी चरक वन में। तो फिंगर नंबर हम 9 में हम लोग कर सकते हैं कि हम फिंगर 9 में हम लोग कर दें और वायु को वायु की मेरिडियन ले लें। तो फिंगर नंबर 9 और सेकेंड स्पायरल ले सकते हैं, सेकेंड स्पायरल ले लें या सेकेंड वर्टिकल ले लें, और सेकेंड वर्टिकल में 2-8 टोन 1-7 सीडेट ये हम लोग कर सकते हैं। ये एक प्रोटोकॉल हम लोग डेवलप मतलब बना सकते हैं इसके आधार पर। फिर मान लीजिए इनफर्टिलिटी, अब इनफर्टिलिटी कंसेप्ट क्या है, इनफर्टिलिटी कहते किसको है? तो इनफर्टिलिटी के लिए चरक में वो हम लोग के यहाँ ट्रिटाइज 20 शायद एक किताब है, उसमें हम लोग अगर पढ़ेंगे तो उसमें इनफर्टिलिटी को डिफाइन किया गया है कि भाई क्या है। तो उसमें ये होता है कि इनफर्टिलिटी का अर्थ ये है, अगर लेडीज के संदर्भ में कहें तो एक प्रयास करने पर एक वर्ष में भी संतान उत्पन्न हो,
संतान उत्पत्ति न हो एक वर्ष में तो इनफर्टिलिटी कहते हैं। दूसरा, मेल पार्टनर फर्टाइल हो। तीसरा, कंट्रासेप्टिव का उपयोग न कर रहे हो। और चौथा, कि कोई चाइल्ड को स्तनपान न हो रहा हो, यानी अगर चाइल्ड को स्तनपान हो रहा होगा तो अभी फर्टिलिटी की बात नहीं होगी। इसको फिर इसमें दो लेडीज संदर्भ में दो, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा गया है। तो प्राइमरी क्या है, अगर कभी कंसीव न किया हो तो प्राइमरी है, और अगर पहले कर चुकी हूं लेकिन अब ना हो रहा हो तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। अब कंसीविंग का अर्थ तो हम लोग पहले बता चुके हैं कि कंसीविंग का अर्थ कि फर्टिलाइजेशन हो और उसके बाद जायगोट जो बनता है, जो दोनों के बीच संयोग से एक बनता है, ओवम और स्पर्म के संयोग से जो बनता है वो जायगोट बनता है, वन सेल का होता है। वो चार पांच दिनों में ये यूट्रस में आता है, यूट्रस में चिपक जाता है, तो उसको कंसीविंग कहते हैं, वो कंसीविंग बोलते हैं। और वहां पर अगर उसको बायोलॉजिकल भाषा में कहें तो इम्प्लांटेशन होता है। तो ये जो अगर इस तरह की हो, और मेल के संदर्भ में क्या है, मेल के संदर्भ में हमको अभी पिछली बार हम लोगों ने पढ़ाई था कि मेल के संदर्भ में है कि अगर स्पर्म काउंट 10 करोड़ पर एमएल से कम इतना होगा तो इसको माना जाएगा कि हाँ फर्टाइल, 10 करोड़ में इतना होना चाहिए, और 80% मोटिलिटी हो, मतलब मोटाइल मतलब मूवमेंट वाला जो है उसमें 80% मोटाइल हो तो इसको माना जाता है, मतलब बढ़िया कि आप इसको फर्टाइल बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए इनफर्टिलिटी हो तो भी हमको वही करना पड़ेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वहां जाएंगे, फिंगर नंबर 9 में जाएंगे, फिर हम लोग वही, यहाँ भी वही दिया हुआ है, देखिए यहाँ भी वही दिया है, वायु को ही किया हुआ है। तो हम लोग मन के स्पाइरल को भी ले सकते हैं, दो स्पाइरल के अलावा हम 8 स्पाइरल भी ले सकते हैं मन का स्पाइरल, तो 2 स्पाइरल और 8 स्पाइरल में हम लोग वही ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि 1 7 6 8 और 2 8 12, ये इस तरह हम लोग कर सकते हैं। फिर इसमें आगे दिया हुआ है, एक दिया हुआ कि जो हिप ज्वाइंट में, कूल्हे के ज्वाइंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई भी ज्वाइंट की बात, हिप ज्वाइंट की बात कर रहे हैं, तो वो उनका कहना कि साइनोवियल, वहां हम लोग जो साइंस की भाषा में कहें तो वहां साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो वो उसकी वजह से चिकनाहट होती है, अगर वो कभी कम हो गया तो वो खटखट की आवाज हो सकती है, तो उसकी वजह से मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, तो उठने बैठने में ये दर्द करता है या आवाज भी आती है। तो यहां पर माना गया कि वात और कफ, देखिए वात माने इनिशिएटर है, तो वात इनिशिएटर है, तो वात और कफ का ही, अगर कफ कर देंगे तो कफ क्या होगा कि ये फ्लूइड जो है, फ्लूइड में क्या है, फ्लूइड है तो एक तो जल है, और जल के साथ साथ क्या है उसमें, तो पृथ्वी तत्व है, तो कफ माने क्या हुआ, कफ चिकनाहट लाता है ना, तो जो चिकनाहट लाने का काम है, हम लोग समझ लें आयुर्वेद की भाषा में चिकनाहट लाने का काम जो है जल और पृथ्वी दोनों तत्व मिलके करते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर एक शक्ति का नाम देते हैं, बल का नाम देते हैं, वो बल है कफ। तो इन दोनों के बीच में करना, अब हम लोग दो चीजें हैं कहाँ करें, तो हम लोगों ने कहा कि एक दो वात को सिडेट कर दिया और कफ को बढ़ा दिया, तो ये तो हमारा एक ट्रीटमेंट हो गया कि वात को, वात माने जो रोक रहा है, वायु रोक रही, वात रोक रही है, उसको हम लोगों ने चिकनाहट से दे दिया, और चिकनाहट 4-5 है हमारा, कफ है उसको हम लोगों ने टोन कर दिया, तो ये 1-2 सिडेट, 4-5 से 4-5 टोन, ये हमारी एक प्रोटोकॉल बन गई। लेकिन ये प्रोटोकॉल यूज कहाँ कहाँ यूज करने हैं, तो कूल्हे के जोड़ के दो तरीके हैं, अगर हम लोग इस पर जाते हैं कि कूल्हा, अगर हम लोग माने कि पैर, अगर हम लोग मानते हैं कि कूल्हे के जोड़ में हम लोग पैर की मानते हैं, तो हम लोग दो तरीके हो सकती है, एक तो हम लोग कर्मेंद्री, कर्मेंद्री तो हम लोग मानेंगे तो फिंगर नंबर 7 मान लेंगे, और अगर हम कर्मेंद्री नहीं मान रहे हैं तो सर्कुलेशन में जब आप लोग पढ़ेंगे इसी सेमेस्टर में, हो सकता है पढ़ें 3rd सेमेस्टर में, तो
जहां पर सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन माने ब्लड का सर्कुलेशन, तो इस ये भी एक माना जाता है कि सर्कुलेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो सर्कुलेशन के हिसाब से फिंगर नंबर 3 और 4 को पैर में रखा गया है। सर्कुलेशन में फिंगर नंबर 3 और 4 राइट और लेफ्ट के हिसाब से, अगर 4 है तो राइट और 3 है तो लेफ्ट, तो हम लोग 3 नंबर इसको मानते हैं, 4 नंबर इसको मानते हैं, तो हम लोग लेफ्ट के लिए इस यूज को और राइट के लिए यहाँ, जिस जहां पर जिस जोड़ पे प्रॉब्लम आ रही हो। और अगर हम लोग नहीं करना चाहते तो हम लोग फिंगर नंबर 7 में हम लोग ले सकते हैं। प्रोटोकॉल का तरीके है ये, करके जब देखेंगे और जो रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ही हम लोग मानते हैं कि प्रोटोकॉल सही है, लेकिन हम दृष्टि दे रहे हैं, ये ऐसा मत सोचे कोई हुआ। कुल्हिया का जोड़ 2 चीजें, अगर हम लोग इसमें कर्मेंद्रीय रूप मानते हैं तो फिंगर नंबर 7 में आएगा, और अगर हम लोग सर्कुलेशन बेसिस मानते हैं तो फिंगर नंबर 3 और 4 में आएगा। तो 3 4 में हम लोग यही कर सकते हैं। और क्या करना है, हम लोग इसमें अगर हमको जल का, जल अधिक है इसमें, जल को स्निग्ध करने के लिए सबसे अधिक इफेक्टिव कौन है, जल, तो हम लोग फोर्थ वर्टिकल फोर्थ स्पाइरल ले सकते हैं, क्योंकि सभी सारे फ्लूइड्स को करना है और हम लोगों स्पेशली टिश्यू लेवल पे करना है, तो हम लोग फोर्थ स्पाइरल ले सकते हैं। तो हम लोग अगर ये ले लें कि फिंगर नंबर 3 4 इनमें से कोई, फिंगर नंबर 3 4 में फोर्थ स्पाइरल, और 1 2 से 8 4 5 2 में, ये हम लोग कर सकते हैं, या फिंगर नंबर 7 फोर्थ स्पाइरल और 1 2 से 8 4 5 2, ये हम लोग इस तरह के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कान वगैरह में, जैसे कान में प्रॉब्लम आ जाती है तो हम लोग शब्द और स्पर्श है, तो हम लोगों ने क्या किया है, फिंगर नंबर 1 2 में रखा हुआ कान को, राइट को और लेफ्ट को, तो कर्मेंद्री है वो ज्ञानेंद्री है, जहाँ ज्ञानेंद्री है और एक होल कान छिद्र है, तो दोनों के रूप में हम लोगों ने यूज किया हुआ है। तो हम लोग दोनों में अगर कभी यूज करना चाहे तो फिंगर नंबर 1 और फिंगर नंबर 2 दोनों ले सकते हैं। और प्लस हम लोग फिर ये हम लोग कहाँ करना है, तो ये हम लोग वहां से ले सकते हैं, हैंडबुक से, हैंडबुक में तमाम कान के वो सब दिए हुए हैं। तो जब कान की बात आती है, मान लीजिए कान में कोई प्रॉब्लम आ रही है जो सुनने की ताकत, या अंदर कहीं कोई इन्फेक्शन है, या अंदर कोई कर्मेंद्री में प्रभावित है, मान लीजिए, या ज्ञानेंद्री प्रभावित है, कर्मेंद्री नहीं ज्ञानेंद्री प्रभावित है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसमें उन्होंने कान के तीन, जो कान का तीन तीन कान बता रहे हैं ना, कि तीन कान माने आउटर ईयर, फिर एक मिडिल ईयर और फिर एक इंटरनल ईयर, तीन हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, 4 सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी जान लीजिए कि 3 ईयर है, मतलब आउटर मिडिल और वो, तो मिडिल में जो है उसको बोलते हैं कि एक पर्दा होता है, और उसमें मिडिल ईयर में पहले एक ट्यूब होती है, वो कहीं पर्दे से टकराती है, उसके पीछे 3 हड्डियां होती हैं, इनकस, मैलियस, इनकस और टेप स्टेप, 3 हड्डियां होती, उन हड्डियों के बाद कॉकलिया होता है, जो जो मेन सुनने की शक्ति वाला वो है, वो कॉकलिया है, और एक वेस्टिबुलर एपरेटस, हम लोगों ने बताया था कि वेस्टिबुलर एपरेटस से होता है जो बैलेंसिंग के काम में आता है, और एपरेटस नाम के 2 ही 3 जब आप पढ़ेंगे कि कहां एपरेटस है, तो एपरेटस ये भी एक है, तो ये एपरेटस जो है वेस्टिबुलर एपरेटस है, ये बैलेंसिंग के लिए है, इसका काम सुनने की शक्ति के लिए नहीं, वो कॉकलिया होता है, तो कॉकलिया का जो नंबर वो 7 8 9 में रखा हुआ है, तो यानी कॉकलिया 8 नंबर पे रखा हुआ है, क्योंकि बाहरी पहले के 0 1 फिर 2 को बीच में कर दिया जो पर्दा है, फिर 3 4 5 कर दिया, फिर 6 को छोड़ दिया, वहां पर कोई एक ट्यूब आती है, और फिर उसके बाद इन्होंने रखा 7 8 9, तो 8वें नंबर पे आती है, तो उस उपचार में अगर करना होगा तो 8वें स्पाइरल पर हम लोगों को उपचार, उसमें दिया हुआ है किताब में HB, उसमें HB फर्स्ट वाली किताब में हैंडबुक 1 में कान के वो सब दिए हुए हैं, तो उसमें आप देख लीजिए कि फिंगर नंबर तो वही रहेगी, फिंगर नंबर नहीं बदलेगी, 1 2 किस स्पाइरल में, तो 8 स्पाइरल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कान में मानते हैं कि कान में सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो 8 स्पाइरल हो जाएगा, और करना वही है कि नेचुरली हमको 4 5 वो हम लोग फिर ध्यान देंगे, हम लोग पास सबसे मास वो सबसे बढ़िया प्रोटोकॉल हमारे पास है 4 5 3 6 2 0 2 9 3, ये हमारा बेस्ट प्रोटोकॉल है,
जो कहीं भी अवरोध है, किसी तरह का अवरोध है, तो उसको घटाएगा और 3-6 समाज हमारा जो है वो उसको मरम्मत कर देगा, करता है या यथास्थिति बना देता है, जो बढ़िया बढ़िया कर देता है, इसको इस तरह सामान्य भाषा में समझे, उसको बढ़िया कर देता है। 3 माने अग्नि और 6 माने नर्वस सिस्टम, दोनों मिल करके उस चीज को व्यवस्थित बना देते हैं। तो 4, 5, 8, 3, 6 टोन हमेशा याद रखिए, कहीं समझ में कभी ना आवे, मैं बता रहा हूं, कभी समझ में कहीं ना आवे कि क्या करें, तो 4, 5, 8, 3, 6 टोन, 0 टोन, 9 स्क्यू, ये आप कर सकते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ शुरू करते हैं, अग्नि की बात करते हैं। अग्नि महाभूत, देखिए तो अग्नि के आप लोग इतना पढ़िए कि अग्नि महाभूत में हम लोगों ने पढ़ा, शॉर्ट करके पढ़ाते हैं ताकि जो है आगे हम लोग बहुत पढ़ना है। जिन द्रव्यों में उष्ण तीक्ष्ण, देखिए दो बहुत बड़े सबसे महत्वपूर्ण हो, उष्ण और तीक्ष्ण, इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है, सूक्ष्म लघु मिल जाएंगे, पहले भी आकाश में मिल जाएगा, वायु मिलेगा, रुक्ष वायु मिल जाएगा, विशद वायु मिल जाएगा, और रूप गुण की प्रधानता, रूप तो हम लोगों ने पढ़ा ना, शब्द स्पर्श रूप, रूप गुण की प्रधानता है, वे आग्नेय द्रव्य है, इनके सेवन से क्या होता है, जलन होती है, पाक पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं, प्रभा कांति मतलब चेहरे का सौंदर्य, नूर शरीर का सौंदर्य, पूरे शरीर का भौतिक सौंदर्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर, भौतिक सौंदर्य, और अंदर से वायु, वायु और मन और अग्नि के माध्यम से पराभौतिक सौंदर्य। लेकिन अग्नि केवल अकेले नहीं, अग्नि जब केवल अकेले की बात कर रहे हैं तो ये शारीरिक सौंदर्य की बात कर रहे हैं, इसमें मन का सौंदर्य भी नहीं है, क्योंकि मन अगर वायु अच्छी नहीं है और मन अच्छा नहीं है तो अग्नि महाभूत केवल आपको प्रभा शारीरिक सौंदर्य दे सकती है, मानसिक सौंदर्य या जो कहे जो आंतरिक सौंदर्य वो नहीं दे सकती। प्रकाश और शरीर का वर्ण स्वच्छ होता है, ये इसके अग्नि के, हम लोग इस रूप में समझते जाएंगे कि हम लोगों को इसका ये पूरा दर्शन है, और दर्शन नहीं व्यावहारिक जीवन का पूरा वो है। तो इन्होंने परिवर्तन कहा कि परिवर्तन क्यों, परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन करता है, परिवर्तित करता है, एक चीज को आप क्या आप अपने भोजन बना रहे हैं उस चीज को परिवर्तित कर देता है, ये उसका गुण है। तो परिवर्तन प्रगत का नियम है, कोई भी हम चाहते हैं कि अगर परिवर्तित न हो तो हम मोनोटोनी बोल देते हैं, कह रहे हम वही रूटीन है हमारा, मोनोटोनी है। तो उसी लिए उन्होंने कहा महाकवि ये कालिदास को काट दीजिएगा, महाकवि माघ है, वो आप काट कर उसमें लिख सकते हैं, ये माघ है शायद, महाकवि माघ ने ये लिखा था, वो किताब है उनकी शिष्यपाल वध नामक किताब है, वहां पर लिखा कि छड़े छड़े ये नवता मुपैती और तदैव रूपम रमणीयताया, कहा कि हर क्षण जो नवीन हो, कोई भी वस्तु हर क्षण जो प्रत्येक क्षण में आज कल हमेशा नवीन होती जाए या नवीन लगे या नवीन महसूस हो, तो तदैव वो रूप तभी कमनीय है, रमणीय है और सुंदर है। उस रूप में उन्होंने कहा कि क्षणाय क्षणे ये नवता मुपैती और तदैव रूपम रमणीयताया, तभी रमणीय है, तभी कमनीय है, तभी सुंदर है, तभी सौंदर्यमय है जब उसमें क्षण क्षण परिवर्तन हो। तो ये परिवर्तन जो है प्रकृति के नियम के अनुसार हुआ, और इस परिवर्तन ने, परिवर्तन करने की शक्ति कौन है, ये दे रहा अग्नि। तो हमारा अग्नि, अब देखिए अग्नि के जो मेन गुण है उन पे समझते जाइए। हम लोगों ने कहा था कि आप अथर्व वेदों में आप जब बात करेंगे तो आप अग्नि वायु और जल तीन की बात करेंगे, आकाश तो ऊपर की कवरिंग है, नीचे आधार हमारे पास पृथ्वी है, तो वो ये हमेशा हर जगह कहा गया है। तो इसमें हमारे यहाँ चाइनीज में भी ये है अग्नि, तो वहां भी तत्व है, तो हमारे उसके जो हम लोग अपने समझते हमारे यहाँ जो डिफाइंड है उनके हिसाब से हम लोग ये समझते चलेंगे कि उसके गुणों को हम लोग आगे यूज कैसे करेंगे। ये उष्ण माने जो जो गर्माहट है वो अग्नि तत्व के कारण है, तो इस तापमान को जो नियंत्रित करने काम कर रहा है, वहां तो हम लोग चाइनीज में हम लोग दोनों को जब तुलना करेंगे धीरे धीरे
थर्ड सेमेस्टर के बाद हमारी दृष्टि आ जाएगी, हम तुलना करना शुरू करेंगे, क्योंकि तुलना करने से हमारा हमारा ही ज्ञान बढ़ेगा। तो वहां तो उष्ण जो है आप कह रहे हैं कि हार्ट कर रहा है और किडनी कर रहा है, हमारा यहाँ उष्ण जो है अग्नि तत्व कर रहा है, कहीं भी है जहां भी है अग्नि महाभूत कर रहा है और वो उसको तापमान को नियंत्रित रख रहा है। नियंत्रण के लिए एक और भी है, हमारे जल है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये उष्णता, उष्ण अगर नहीं हो, उष्णता की वजह से यही इसका मूलभूत गुण है, अगर उष्ण नहीं है तो अग्नि नहीं है। तीक्ष्ण, तीखा, अगर तीखा नहीं है तो वो अग्नि नहीं है। तो तीखा है, एंजाइम्स, हार्मोन्स, तीक्ष्ण गुण वाले हैं। एंजाइम मतलब ब्रेक कर देता है, फाड़ देता है, उसको टुकड़ टुकड़ बांट देता है। तो अब अगर हम उसमें भौतिक भौतिक स्तर पर तो हम लोग करें, और पराभौतिक अगर हम कहें तो पराभौतिक में कहें, अगर गर्म जोशी नहीं है मिलने में संबंधों में, तो नारी पुरुष के संबंधों में, जो स्त्री पुरुष के पास संबंधों में, जो स्त्री पुरुष नामान नहीं, प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के संबंधों में, ये उष्णता अगर न हो तो संबंध बिखर जाएंगे। तो ये उष्ण वाला इस गुण की वजह से ही स्थिर है। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण क्या है, आपने कहा एंजाइम्स, हमने उनका हार्मोन्स छोटे हैं, तीक्ष्ण आगे सूक्ष्म में आ जाएगा, तीक्ष्ण है, बहुत तेज उनका इफेक्ट होता है, वो उपस्थिति उनकी रिएक्शन कराती है। लेकिन पराभौतिक स्तर पर क्या बोले, पराभौतिक बुद्ध में हम लोग कहेंगे कि बुद्ध बहुत तीव्र है, तीक्ष्ण है, बुद्ध बहुत तीक्ष्ण है, बड़ा तेज है, ये कहते नहीं कि पराभौतिक। तो मन का जो बुद्धि, मन में जो बुद्धि है उसकी तीव्रता उसका परिचायक है, इसको ब्रिलियंस बोलेंगे हम लोग। सूक्ष्म, सूक्ष्म गुण है, सख्त, मतलब कम मात्रा में भी इसको यूज करेंगे तो बहुत बड़ा होगा। अब देखिए एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स का सीक्रेशन बहुत कम होता है, बहुत, लेकिन कितना प्रभाव होता है। तो ये सूक्ष्म अर्थ है कि प्रभाव व्यापक हो और उसकी भौतिक मात्रा बहुत सूक्ष्म हो और उसकी उसका। तो अगर हम लोग पराभौतिक स्तर पर बात करें, भौतिक पराभौतिक, पराभौतिक में का अगर हमारी बुद्धि एक्सेप्ट करती है किसी चीज को, अगर हमारी बुद्धि जल्दी एक्सेप्ट करती है किसी चीज को, तो कहेंगे कि बहुत वेरी सब्टल, बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म बुद्धि वाला है, मोटी बुद्धि नहीं कहते, जैसे कहते हैं मोटी बुद्धि, और कहते नहीं बहुत सूक्ष्म बुद्धि है। तो सूक्ष्म बुद्धि का अर्थ ये हुआ कि वो बुद्धि जो है जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है ज्ञान के रूप में, ज्ञानी ज्ञान अधिक होगा तो वो अधिक इस रूप में। तो इस इनको प्रयोग सोचते जाइए कि इनका प्रयोग कहीं जब करना पड़ेगा तो यही सब कि अग्नि की कमी है कहीं। लघु, लघु हम समझे, लघु माने कम, छोटा, कम मात्रा में होगा, लेकिन उस जो जितने आग्नेय द्रव्य, देखिए हार्मोन्स एंजाइम सब आग्नेय द्रव्य कहलाते हैं नॉर्मली, आग्नेय माने जिसमें अग्नि वाला, क्योंकि ये क्रिएट को ब्रेक कर देते हैं कहीं उसमें। तो यह क्या इनका क्या स्वभाव स्वरूप है, सूक्ष्म और लघु का है, सूक्ष्म भी है लघु भी कम है। तो और करना क्या काम करते हैं, लघु माने लाघवकारी भी, लाघवकारी माने कोई भी चीजों को छोटा बना देना, कम कर बना देना, लघु बना देना, ये भी इनका काम है। तो वो ब्रेक कर देना, बड़े को छोटे में लघु में कन्वर्ट कर देना, ये भी उनका काम है। तो दोनों चीजें हैं, लघु अपनी मात्रा में और लघु प्रभाव के रूप में, लघु माने छोटा कर देना, कम कर देना, बड़े से छोटा बना देना। तो ये हुआ पराभौतिक में। क्या हुआ पराभौतिक में, हमने कहा कि हमको दिया या किसी ने कहा कि आपको 20 पेज दिया हुआ है और इसको आपको बताना है। अब आपके पास समय मान लीजिए 15 मिनट का है, तो आप 20 पेज 15 मिनट में नहीं बोल सकते। तो आपने क्या किया, अपनी बुद्धि से उसको लघु बना दिया और आपने कर दिया। यानी मीमांसा जो आपने किया वो आपको आपकी बुद्धि के हिसाब से हुई, बौद्धिक स्तर पर हुई मीमांसा। ये पराभौतिक तर्क संगत है, कोई अब तर्क दे रहे हैं तो आपने बड़े विषय को तर्क दे करके सूक्ष्म अपनी बात कह दिया। ये रुक्ष, रुक्ष माने जो रूखा कर देते हैं। तो रूखा आपने देखे, आप वायु रूखा करती है और अग्नि रूखा करती है, लेकिन अग्नि के साथ अग्नि भी रूखा करती है, वायु भी करती है, लेकिन वायु के साथ जलन नहीं होगी, अग्नि के साथ जलन, रूखा के साथ जलन भी होगी, बस अंतर ये है। तो रुक्षता उद्वन प्रभाव प्रदान करते हैं, अग्नि द्रव्य रुक्ष तक पर, और पराभौतिक पर क्या होगा,
और अभौतिक में बिल्कुल साफ बोल देगा, बिल्कुल स्पष्ट कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते हैं, हम ये काम नहीं कर पाएंगे ये। इसके बाद देखिए विशद पराभौतिक स्तर पर आग्नेय द्रव वाले सपाट और पराभौतिक स्तर पर विशद विशद इन्हां पर यहां पर जो है भौतिक स्तर पर क्या है कि ये जो भी हमारे टॉक्सिन होते हैं उनको ब्रेक कर देते हैं और जला देते हैं और स्वच्छ कर देते हैं, मतलब सार मतलब उसको जो है नष्ट करके और अपने लिए जहां यूजफुल हुआ वो यूजफुल बना लिया और जहां यूजफुल नहीं हुआ हटा दिया। तो ये जो विषधाती द्रव्य है मतलब टॉक्सिन है उनको जलाकर विषद बना देते हैं। विषद के माने में हमने अभी आज स्पेशली भेजा हुआ है, मैंने लिख कर भेजा हुआ उसमें कि विषद के जो अर्थ है वो बहुत व्यापक है, उनको समझने की आवश्यकता है आपको। तो वो विषद वाले आज ही मैंने उसमें भेजा, विषद वाला समझ लीजिए आलोकित प्रस्फुटित स्पष्ट सविस्तार विवृत निखरा निश्चित परिभाषित व्यक्त साफ उज्ज्वलित उजागर उद्दीप्त कांतिमान शुभ्र विकसित, ये सब है। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भले कुछ भी कहो लेकिन कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन विशद का हो नहीं सकता। इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट ओनली, वहां ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है, इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट ओनली, ये बहुत विशद है। तो विशद माने भौतिक स्तर पर अग्नि जो है हम लोग सामान्य अवधारणा पे बता रहे हैं डिफाइन कर रहे हैं, विषधादी द्रव्यों को जलाकर विशद बना देती है, साफ बना देती है, साफ सुथरा बना देती है, उसको ठीक कर देती है, नहीं तो वो शरीर में पड़े रहेंगे। पराभौतिक रूप में क्या होगा कि हम लोग स्पष्ट बोलेंगे भाई हम ये बिल्कुल साफ अपनी किसी विषय पर उनका बहुत साफ विवेचना उन्होंने किया, ये जो विवेचना है वो विशद वाली है और विस्तृत भी है, विस्तृत भी है, विस्तारशील भी है, और छोटा कह करके और कहा कि विषय बड़े विशद व्याख्या कर दिया, यानी व्याख्या जो किया भले अल्प शब्दों में किया लेकिन व्याख्या बहुत विशद हुई, बड़ी विस्तार व्याख्या हो गई। अब इनके सामान्य गुणों के आधार पर अपर दूर पास देखिए दूर और पास का संबंध जी था, जैसे अग्नि का बताया वायु का बताया तो सबके इनके प्रॉन्स बता रहे, तो उनका प्रॉन्स भी तो जैसे अगर अग्नि ज्यादा हो जाएगी क्योंकि हमारे हर प्रोटोकॉल में हम थ्री को टोन ही करते मोस्टली, तो थ्री को ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब थ्री को सिडेट करना पड़ता होगा, कभी तो थ्री को सिडेट भी करना पड़ता होगा, एक तो एसिडिटी अगर हो जाती होगी तब एसिडिटी में तो सिडेट करना ही करना है, कभी आप कभी हाई मानो पराभौतिक रूप में हाइपर हो जाएंगे तो भी तो अग्नि को आप सिडेट करना पड़ेगा कहीं कहीं हाइपर पराभौतिक में अगर हाइपर आप हाँ बोलिए हाइपर मींस गुस्सा आना नहीं तो हमारे यहाँ तो अग्नि भी तो है, हमारे यहाँ देखिए ऐसा है आप चाइनीज दोनों को अलग अलग करिए, हमारे तो अग्नि की वजह से ही तो गुस्सा है, नहीं वही बोल रही हूँ गुस्सा मतलब हाइपर होना मतलब गुस्सा होना तभी तो थ्री को सिडेट करेंगे ना सर, हमारे यहाँ अग्नि अग्नि क्रोध अग्नि है, अगर क्रोध है तो अग्नि है, हाँ वही बोलू ना सर, तो क्रोध में थ्री को सिडेट करेंगे ना, हाँ बिल्कुल हमारे क्रोधाग्नि कहलाती है, आप हिंदी में बोलिए हिंदी में क्रोधाग्नि बोलते हैं क्योंकि क्रोधाग्नि में जल रहा है। अच्छा ओके सर, ईर्ष्या में जल रहा है, ईर्ष्या में जल रहा है, ईर्ष्या होगी तो भी अग्नि को सिडेट, पराभौतिक है, अगर बहुत ईर्ष्यालु है तो कहीं उसकी अग्नि बढ़ी हुई है, वो ईर्ष्या 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 भी अग्नि के रूप में है, अंदर का दाह अंदर का ताप, भाई आप बगल में किसी के पास बड़ी गाड़ी आ गई इनके पास छोटी गाड़ी है तो इन्होंने कहा कि बस ईर्ष्यालु हो गए, तो ये अग्नि तत्व ही तो है जो आपको ईर्ष्या बना देता है पराभौतिक रूप पर, ठीक है सीखते जाएंगे करना पड़ता है, भौतिक में बहुत कम होता है, भौतिक में एक आध बारी या फिर गुस्से में हुआ या फिर एसिडिटी में हुआ, हाँ हाँ तो ऐसे नहीं अग्नि बढ़ जाती है, देखिए अग्नि शरीर में बढ़ती है इसमें कोई शक नहीं, भाई जब आप स्टमक ही देखिए हीट सब में होती है लेकिन स्टमक हीट सबसे बड़ी है, जठराग्नि सबसे बड़ी है, इसीलिए स्टमक हीट की अधिक बात होती है ना, इसीलिए हम लोग स्टमक हीट की अधिक बात करते हैं क्योंकि जठराग्नि सबसे प्रबल है, HCl है वहां 1.2 pH का HCl है,
आप सोचिए उतना उतना पीएच कहीं नहीं है। यस सर। हम लोग अपने आप देखते हैं कि रक्त का है 7.4 होगा, सबका होगा 7. इसका होगा, सीएसएफ का होगा, यूरिन का होगा, सबका 7.4 के आसपास है, और वहां पर जठराग्नि में 1.2 का पीएच के लिए बैठा हुआ है, इसलिए उसको अग्नि सबसे अधिक जो प्रबल कहलाती है वो जठराग्नि स्टमक अग्नि, इसलिए हम लोग वहां पर अधिक ट्रीट करते हैं। अदरवाइज अग्नि तो थोड़ा बहुत कम जाता तो हर जगह हर ऑर्गन में हो सकती है, क्योंकि रस रक्त मांस मेद अस्थि, अगर रस में ही अग्नि बहुत बढ़ जाए तो जलाने लगेगी पूरे उसको, जलाने लगेगी सब कुछ, तो आपके पूरे स्किन में सारे वो पड़ने लगेंगे, वो कोई जठराग्नि नहीं है, वो रस की अग्नि है, रस में ही, रस माने शुरुआत जो बना उसी में होगी, रस रक्त मांस में, ठीक है सर। ये हार्मोनल इंबैलेंस भी फायर केस में आएगा, हार्मोनल इंबैलेंस जो है। हाँ, अगर हार्मोन में अग्नि बढ़ गई तो हमारे यहाँ देखिए कहाँ पर आएगा, हमारे यहाँ रस से ही बढ़ेगा, पहले समझिए। हम लोग अभी तो तीनों को एक साथ पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो हार्मोन्स हमारे यहाँ क्या है, रस से शुरू हुआ सब, हमारे यहाँ हार्मोन्स का कंसेप्ट क्या है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, शुक्र से हमारा ओज, ओजस। रस में से प्लाज्मा ही या फिर फूड का जो एसेंस हुआ वो, रस तो प्लाज्मा ही हुआ ना। नहीं, हम देखिए रस को हम लोग प्लाज्मा को ट्रांसलेट कर रहे हैं, पहले अंतर समझिए, रस इज नॉट प्लाज्मा, रस मींस फूड का जो एसेंस हुआ, फूड की। हाँ, हम लोग हाँ फूड में जो फूड की जो हुई तो फूड की ने बनाया, तो कोई चीज रस बनाया, हमारे यहाँ देखिए हम लोग डिफाइन कर रस के रूप में, हम लोग उसको क्योंकि हम लोग तीनों विषय पढ़ रहे हैं, मतलब चाइनीज भी, आयुर्वेदिक भी, मॉडर्न भी, हम लोग उसको ट्रांसलेट कर दे रहे हैं, शब्द किसी का ट्रांसलेशन, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कोई नहीं है, पहले समझ लीजिए, रस का ट्रांसलेशन कुछ नहीं है, हमारे रस ओरिजिनल है, अगर रस ही गड़बड़ है तो रक्त कभी बढ़िया अच्छा नहीं होगा, रक्त गड़बड़ होगा तो मांस कभी अच्छा नहीं होगा, उससे मेद अच्छा नहीं होगा, ये हमारे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तीनों पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ जब डिफाइन कर रहे हैं तो हम लोग उसको प्लाज्मा बोल दे रहे हैं, प्लाज्मा की मेरिडियन, इजी हो जाता ना समझने के लिए, इसलिए नहीं कहा नहीं, नहीं तीनों चीज पढ़ रहे तो हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं प्लाज्मा में। अच्छा, रक्त की बात कर रहे हैं तो हम लोग तो ब्लड की बात कर देते हैं, ब्लड सेल्स हो जाते हैं रक्त में, तो वही कह रहे हैं, तो हमारे यहाँ है, लेकिन जैसे हार्मोन्स है, हार्मोन्स क्या है, अगर हार्मोन्स तो है अग्नि है तो है ही, अगर हार्मोन्स एक जगह छोटे मात्रा में जाता है प्रभाव बहुत व्यापक होता है, अगर उसकी अग्नि उसके अंदर जो निहित अग्नि है, हम लोग सब बोलते हैं कि सब में सारे पदार्थ है, हम लोग मानते हैं ना कि सारे पदार्थ आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बने हैं, तो वो भी हार्मोन बना होगा, वो भी उसमें अग्नि का गुण अगर अधिक हो गया तो वो कभी आप नहीं कहते हैं कि वो हाइपर एसिडिटी, वो हार्मोन का जो है डिसबैलेंस में हाइपर हो गया, तो हाइपर क्या होता है, हाइपर ऐसा नहीं कि संख्या में वो मात्रा में अधिक पहुंच गया, उसने अपना इफेक्ट अधिक दे दिया, तो अपना इफेक्ट मतलब हाइपर हो, अग्नि गुण बढ़ गई, तो अग्नि भी उसको हम लोग अगर करें ट्रीटमेंट में तो हम लोग उसकी हार्मोनल अग्नि को घटा भी सकते हैं, ठीक है आगे चलें। यस सर। तो पर अपर माने हम लोगों ने क्या कहा था, पर अपर माने पास, अपर माने दूर, तो जो ये अब सामान्य गुणों के आधार पर कर रहे हैं, तो कह अग्नि का गुण क्या है, अग्नि जो है संबंधों की उष्णता लाती है ना, तो अगर कभी आपका मित्र बहुत बढ़िया है, आज आप कल नाराज हो गए तो दूर हो गया, बहुत करीबी था पास हो गया, तो ये किसी के तो हम लोगों को इसी पाचन अब शारीरिक उसमें क्या है, पाचन तंत्र है, रस रक्त का करता है, निर्माण करता है, और कुछ को अपने पास रख लेता है, कुछ को भेज देता है, कुछ को रखेगा अपने पास कि जो अच्छा सार कहले है थोथा दे उड़ाए, संयोग विभाग और पृथकत्व तो क्या है, कंबाइन ब्रेड, अब देखिए हम लोग पूरा सिस्टम से बढ़े तो संयोग विभाग पृथकत्व पीने तो हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हुआ, पहले उसने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को उसने ब्रेक किया, ग्लूकोज में बना दिया, फैट को बना दिया फैटी एसिड में, तो मतलब ये फैटी एसिड क्या है, बड़े ग्लूकोज को पढ़ा है ना आप लोगों ने,
कि बड़े ग्लूकोज बड़े अणु को छोटे अणु में विभक्त करता है, क्योंकि जो पदार्थ जो है जो संसार में उत्पन्न हुए, जो वनस्पतियां उत्पन्न हुई, जो भौतिक जगत में उत्पन्न है, वो उस रूप में नहीं है कि हम उसे उस रूप में ग्राह्य कर सके। शरीर उसके हिसाब से नहीं बना हुआ था। जो शरीर ने क्या किया, उसको सबको पचाया, पचाने में मतलब उसको ब्रेक किया, तो वो हम लोगों ने क्या किया, विभाग, पहले हम लोगों ने ब्रेक किया, विभाग कर दिया, फिर हम लोगों ने क्या किया, संयोग कर दिया, फिर एक तरह के दो जो हमको चाहिए था उनको एक साथ मिला दिया, तो हम लोगों ने विभाग संयोग कर दिया। संयोग के बाद फिर हमने क्या किया कि हम लोगों ने जो हमको हटाना था, वेस्ट मटेरियल था, उसको हमने अलग कर दिया, और हम लोगों ने संयोग विभाग के माध्यम से, मेटाबॉलिज्म के माध्यम से हम लोगों ने उसको, कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म सब बनिए है ना, तो मेटाबॉलिज्म के माध्यम से हम लोगों ने संयोग विभाग को तो रख लिया और पृथकत्व को निकाल दिया, जो पृथक करना था उसको निकाल दिया। तो ये हम लोगों ने पूरे शरीर में हम लोग कर रहे हैं उसी के अग्नि की वजह से ही, अग्नि की वजह से मेटाबॉलिज्म है ना। फिर अब भौतिक अन्य स्तर पर देखिए, पराभौतिक में स्त्री पुरुष यानी वो कह रहे हैं अग्नि तत्व है, तो वहां स्त्री पुरुष जहां ये लिखा हुआ वहां वो समझिए जो बार बार कह रहा हूं कि नारी पुरुष माने यहाँ पर पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के आधार का, ये अग्नि तत्व आधार है। वैसे तो सभी में आधार है, लेकिन वहां तो ये बहुत आवश्यक है। अगर ये अग्नि तत्व कम है तो अलगाव होगा, पृथकत्व, और अगर ये है तो संयोग होगा, प्रगाढ़ता आदि संयोग में तभी होगा जबकि वो होगा, नहीं तो सेपरेशन हो जाएगा। संयोग वही है, संयोग करते हैं, संयोग सब द्रव्य करते हैं, अग्नि भी करता है, तो सबका अब इनसे सबसे अधिक करता है। अगर ये हमारे हमारे यहां सबसे अधिक संयोग किससे करता है, अग्नि, अग्नि जो है अधिकरण को जला देगी, अपने अधिकरण जिस जगह रहेगी अग्नि जला देगी, तो उसके लिए सबसे बढ़िया संयोग होता है हमारे यहां जल के माध्यम से। जल क्या करता है, उसको संतुलित करता है, बैलेंस करता है। जैसे आप दो एक मित्र हो, दो मित्र हो, एक बहुत अग्नि अग्नेय वाला हो और एक जली वाला हो, और दोनों जा रहे हो, तो जहां लड़ाई हो रही होगी तो एक ने बाई तरफ मान लीजिए ये अग्नेय वाला है, तो इसने लड़ाई शुरू कर दिया, इसने जल से उसको बुझा दिया, इन्हें बीच में मध्यस्थता कर दिया और कहा भैया क्या बात है, क्या लड़ना, हम लोग संसार में हम आए हुए हैं, दो चार मिनट मिलेंगे चले जाएंगे। वो भी प्रसन्न हो गया, कह रहे भाई ठीक है, इसने तो लड़ाई लड़ा दिया था। तो अग्नि और संयोग, अग्नि और जल के संयोग से वजह से एक बल की सृष्टि हुई, ये दोनों बल के रूप में हुए, एक लड़ाई लड़ी, दूसरे ने उसको शांत कर दिया, तो ये जो है एक बल के रूप में हुआ। तो वही बल है कि जो जो है हम, और वो बल को हम लोग जानते हैं कौन सा है, बोलिए आप लोग, वो बल कौन सा है, पित्त, 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 हाँ यस, हमारी भाषा इसमें आयुर्वेद भाषा में बोलिए ना पित्त। अग्नि और जल का संयोग पित्त का संयोग है। पित्त क्या करता है, पित्त कितना बढ़िया काम करता है, पित्त न हो तो आपका भोजन न पच, तो पित्त की अधिकता नहीं कहने लगे, संयोग उनकी आवश्यकता, अदरवाइज क्या होगा, अग्नि जला डालेगी। अगर आपके उसमें 66% के आसपास पानी ना हो तो आपके आग्नि, इसीलिए तो पानी की बात कहते हैं कि पानी पीजिए, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण पित्त है, दोष नहीं है, दोष तो तब है जब वो दोनों बैलेंस फॉर्म में नहीं होंगे। अब ये अग्नि तत्व तो है जिसकी वजह से आपके केवल यही नहीं कि आपके संबंधों प्रगाढ़ता आती है, बल्कि अगर आप देखें भी ये सब जो आप बचपन से बड़े हो रहे हैं, ये अग्नि भी तो है, काल तो है ही है, लेकिन अग्नि तत्व भी तो है जिसकी वजह से आप बड़े हो रहे हैं। तो ये अग्नि ही है जो बाल्यावस्था को, युवावस्था को, सब अवस्थाओं में पदार्पण करा रही है, अग्नि तत्व है, मेटाबॉलिज्म ही है, सेल डेवलप होते हैं, बनते हैं उन्हीं, अगर मॉडर्न साइंस कहें तो भी, और हम लोग आयुर्वेद में कह रहे हैं तो भी, दोनों भूख प्यास सब अग्नि के कारण है। अगर अग्नि कम हो जाएगी तो भूख प्यास होगा, इसीलिए हम लोग कभी कहते नहीं है कि अग्नि बढ़ाइए, अगर आपको भूख प्यास नहीं ले रही है स्टमक में तो आपको अग्नि तत्व को बढ़ाना पड़ेगा। और जहां बहुत बहुत अधिक भूख लग रही है तो अग्नि तत्व को घटाना पड़ेगा। काल और अग्नि का संयोग निद्रा को, भाई निद्रा भी तो है, निद्रा अगर मतलब
समय पर और अग्नि दोनों संयोग न करें तो अगर नींद ना आवे तो आपके अंदर की एनर्जी तो घटी घटेगी ना, बढ़ेगी तो नहीं। तो एनर्जी को पाने के लिए वो काल और अग्नि के संयोग से आपको जो भी आप देखिए, काल और अग्नि मिलकर के भूख प्यास, आपको सोना है, जागना है, उठना है, ये सब नियंत्रित करते हैं। अग्नि और दिशा संयोग करेंगे तो क्या होगा, दाह क्रिया पाक क्रिया आपके सुचारू रूप से होगी, एक डायरेक्शन में बढ़ेंगे, अपनी दिशा में प्रवृत्त होंगे, और अगर नहीं होगा तो दिशाहीन हो गए। अगर दिशा, अगर मान लीजिए दिशा, मान लीजिए कोई जगह है और उस दिशा में भ्रमित हो गए, उसको सीधे जाना वो दाहिने मुड़ गया, तो आप देखिए वो भी तो आपका निगेटिव वो है, इसलिए दिशा भी तय होनी चाहिए। अग्नि का संयोग होने पर उत्पादकता आती है। फिर इनका हो गया अब, अच्छा हाँ, फिर अग्नि दिशा के साथ सहयोग करके पाचन क्रिया को होता। फिर अब अगर मान लीजिए अग्नि आपके, देखिए वायु तत्व जो है आपको प्रस्फुटित होता है आपके शब्दों में, आपके वचनों में, आपके विचारों में होता है, विचार वही करता है, लेकिन अग्नि इसका सहयोग नहीं करे तो विकास का जो विकास हमने कहा ना बाल्यावस्था से, यहाँ तो विकास यहीं पर आ गया। ये जो विकास हो रहा है वो बिना अग्नि के सहयोग से नहीं हो सकता। इनिशिएटर कौन है, कौन है इनिशिएटर, आप लोग बताइए। वायु सर। ठीक, वायु इनिशिएटर है, वायु ने इनिशिएट कर दिया प्रोसेस को, लेकिन प्रोसेस को बढ़ाने का काम किसका है, अग्नि का, अग्नि का सर, है ना। तो जो विकास करने का है, पहले उन्हें इनिशिएट कर लिया, हर चीज में इनिशिएटर वही है, लेकिन वो विकास करेगा वो आप करेगा, यानी आपको क्यों, कैसे विकास होगा, अगर ये ग्राह्य शक्ति नहीं होगी, अगर आपकी ये अग्नि तत्व आपके पास कम है तो क्या होगा, जो मैं मान लीजिए बोल रहा हूं तो आप कहेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको समझ ही नहीं आ रहा, ये नहीं कह रहा कि परसेंटेज में, आप कहें कि हमको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि अग्नि तत्व की कहीं कमी है। वायु तत्व तो आपको बोल रहा है, बता रहा है, विचारों में व्यक्त कर रहा है, लेकिन अगर बुद्ध का विकास अग्नि तत्व की वजह से है, तो अगर ये ग्रेस्पिंग पावर है ना, पचाना है ना, पाक है ना, पाक माने पचाना, तो अगर पचाने काम नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब कि अग्नि का कम है। बस इस रूप में आपको इसको रखिए, जहां जहां पचाने की बात हो, कोई भी पचाना हो, समझ लीजिए पराभौतिक में क्या पचाना है, पराभौतिक क्या है सर, लोगों की बात सुनते हैं वो, हाँ जो सुन रहे हैं उसको पचाना है ना, उसको जैसे मान लीजिए कोई गोपनीय बात हो तो गोपनीय तो गोपनीय रहनी चाहिए, तो अगर नहीं पचा पा रहे तो अग्नि कमी है। बैलेंस है, मतलब बैलेंस फॉर्म में नहीं, मैं ये कह बैलेंस फॉर्म में नहीं, बैलेंस हमको बैलेंस की बात कर रहे हैं ना हम, कहीं अधिक है कहीं कम है, तो बैलेंस फॉर्म में नहीं है, कम है तो भी नुकसान। अभ्यास संस्कार, देखिए अभ्यास क्या है, हम लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे सोना चांद भूखा के सोना के समय ये है, जागने के समय ये है, इन सब का हम लोग यही तो है, यही लगातार करते रहते तो ये प्रैक्टिस होती है। और इस अभ्यास से हम लोगों ने एक शब्द कहा था, अभ्यास माने ये कि जो आप निरंतर आज कल परसों सब कर रहे हैं, इनसे क्या होता है, इनसे कुछ और अच्छी आदतें, अच्छी हैबिट्स, अच्छे विचार जो आमंत्रित होते हैं या आते हैं या आपकी आपको विकसित करते हैं, उनका नाम संस्कार है। इन अभ्यास से, ये नहीं कि यही अभ्यास, मान लीजिए आप समय से सो रहे हैं, समय से जाग रहे हैं, समय से भोजन कर रहे हैं, ये आपका अभ्यास, समय से कॉलेज जा रहे हैं, समय से लौट रहे हैं, समय से पढ़ाई कर रहे हैं, ये अभ्यास है, इसमें कोई शक नहीं। इनसे संस्कार कैसे डेवलप होगा, ऐसा नहीं कि यही संस्कार है, नो, अब ये अभ्यास है आपका, आप समय से आएंगे, खाना खाएंगे, जाएंगे, इनसे क्या होगा, इनसे कुछ चेतना आपकी जागेगी। वैचारिक संस्कार कैसे होगा, आप जैसे आएंगे, आपने सवेरे उठे, आप गए, आपने मान लीजिए सवेरे उठना करके आपने व्यायाम करना शुरू कर दिया, तो आपका शारीरिक ठीक हुआ, फिर आपका मानसिक ठीक हुआ, आपने वहीं पर चार लोग बैठे हुए थे, उनसे आपने बातचीत शुरू किया, उनके दुखों को जाना, उनके सुखों को जाना,
उनकी समस्याओं को सुना, ये आपका एक उनकी उनके लिए आप चिंतित हुए कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ या उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये जो आपका एलिमेंट है वो अभ्यास की वजह से नहीं हुआ, ये अभ्यास ने निरंतर इस संस्कार को जन्म दिया कि आपको, क्यों? क्योंकि आप निरंतर आ रहे हैं, चार दिन से एक आदमी देख रहे हैं कि आदमी बड़ा परेशान सा दिख रहा है, तो ये आपका उस अभ्यास की वजह से संस्कार में डेवलप हुआ कि उस व्यक्ति की पीड़ा को आपने समझना महसूस किया, और जब महसूस किया तो जो आप बढ़े उस श्रेणी में, उस दिशा में जो बढ़े, वो दिशा आपका संस्कार है। क्लियर? संस्कार को इस रूप में समझिएगा, ऐसा नहीं कि यही अभ्यास संस्कार नो, अभ्यास आपके शारीरिक और बौद्धिक में परिवर्तन लाता है, वो जो करता है वो वैचारिक में, वो विचार में, वो बुद्धि में जो परिवर्तन लाता है वो संस्कार है, वो कोई नई चीज क्रिएट करता है वह संस्कार है। तब वो कहेंगे कि देखिए हमारी पीड़ा को महसूस किया, बड़ा संस्कारी बालक है या बड़े संस्कारी व्यक्ति है, ये जो आता है। और यही कहना है कि अगर बैलेंस, यही बैलेंस फॉर्म अगर ना रहेगा तो हम लोगों ने क्या कहा है, चाइनीज भी यही कह रहे हैं कि यही संस्कार हमारा क्या करता है, हमारी कौन सी जीवन सत्य एसेंस को हमको परिवर्जित और परिष्कृत परिवर्धित करता है, यही हमारा वो है, वही जीवन सत्य की, यही संस्कार करता है। युक्ति जड़ी बूटियों का है प्रयोग है, जो अग्नि है हम लोग जानते हैं, अधिकांशतः बहुत बहुत जुड़िया है जड़ी बूटियां जो अग्नि है, मतलब अग्नि वाले तत्व वाली है, जिनका प्रयोग करने है, इनके इनका सबका औषध के रूप में किसी का प्रयोग युक्ति है। युक्ति माने मेडिसिन, युक्त माने तरीका, हम कैसे इसको प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल हमारे प्रोटोकॉल वो है, हमारी प्रोटोकॉल वही तो युक्ति है। तो वो जो हमारा है ये सब जो है कि उसमें हम लोगों का जहां वो वही बताया कि जहां कोई भी पॉइंट को हम यूज करेंगे तो वो हमारा जो मेरिडियन पर जो यूज करते हैं, तो देखें मन के मेरिडियन पर अग्नि का उपचार देंगे तो क्या होगा, मन आपका जहां कहीं होता, आपको कभी होता नहीं है कि आप अवसादग्रस्त हैं तो आप तीन को टोन कर लेंगे, मन को टोन कर लेंगे, तीन को टोन करिए और मन को टोन कर लिए, तीन आठ तो मन भी प्रसन्न हो, प्रसन्न है ना। वैसे जीव शरीर के ताप तापक्रम को होना है तो तीन का यूज यहाँ पर आपको बताया गया है। संख्या परिमाप, नंबर, नंबर तो वही है कि कितने समय में इस अग्नि तत्व की वजह से कितने समय में क्या परिवर्तन आप में होना चाहिए, स्त्री पुरुष में क्या परिवर्तन होना चाहिए, टाइम से नहीं हुआ तो काल के चक्र में आ गए, तो ये सब आपको किस ईयर किस एज में आपकी जो है वो फर्टिलिटी खत्म होती है वो सब आगे वो अग्नि तत्व की वजह से, अग्नि और काल के परिणाम स्वरूप है। तो वो इसमें रस है, अम्ल, लवण और कटु अग्नि महाभूत का है, ये केस है, केस आप लोग पढ़िएगा, केस पर बहुत अधिक बने, देखिए इन्होंने जो ट्रीटमेंट किया था वो देखिए, ये वाला इसमें जो है उपचार लिया था उन्होंने एक्यूपंक्चर के राइट थंब में, वाद जॉइंट में क्रिएटिव होल और दाएं हाथ की कनिष्ठा अंगुली में राइट ऊर्जा को बढ़ा, अग्नि के बिंदु पर ऊर्जा को बढ़ाकर समय के बिंदु में ऊर्जा कम करके 2 टोन 3 टोन 6 रेट 2 3 बढ़ा दिया व इनिशिएटर बढ़ा दिया। देखिये कहाँ करना हो तो आप लोग समझ जाएंगे, 2 माने इनिशिएटर, 3 माने अग्नि, दोनों को बढ़ा दिया और समय जो था, मान लीजिए अगर लेट हो रहा कोई चीज तो समय को घटा दीजिए, जल्दी हो रहा कोई चीज तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक, कोई चीज जल्दी हो रही है तो इसका मतलब इसको विलंबित करना है। तो सर केस नंबर 3, सर केस नंबर 3 को जरा समझा दीजिए ना, खुजली वाला केस नंबर 3 है। हाँ बोलिए, खुजली वाला। हाँ सर, हाँ केस नंबर 3 सर। हाँ बोलिए बताइए, इसमें क्या है, इसका है ये है ना, सुल्तानपुर जिले में संस्थान है ना, एलोपैथिक चिकित्सक द्वारा हृदय रोग से बताया गया, तो खुजली का सर ये जानना था कि हार्ट वाले हृदय रोग से क्या संबंध हुआ,
बॉडी में पूरा इचिंग हो रहा है, उसका हर्ट से क्या? इसमें लिखा हुआ है कि खुजली का संबंध उसने बताया है कि एलोपैथिक डॉक्टर ने बताया हर्ट से। अब ये तो हम लोग एलोपैथिक नहीं कर रहे, वो नहीं, नहीं। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुजली से कहा और शरीर में काले धब्बे निशान पड़ने की शिकायत थी, तो उन्होंने कहा हृदय रोग, उन्होंने उन्होंने बताया कि हृदय रोग है, कोई टेस्ट किया होगा उन्होंने, अब उससे लगा उन्होंने कि ये हार्ट का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ ये नहीं हुआ, हमारे देखिए हमारे ट्रीटमेंट दूसरा हुआ। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा कि देखिए रक्त विकार, हालांकि हार्ट का भी संबंध रक्त भी था है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ट्रीटमेंट दूसरा है। हमारे यहाँ खुजली ये हुआ तो हम लोग बताया ना कि रस रक्त, हम लोग रस रक्त में अगर ट्रांस कर देंगे, रक्त टिश्यू मेरिडियन हम लोग क्या है लेफ्ट IF, अगर रक्त का हो, रक्त का विकार हो तो क्या होगा, क्या है लेफ्ट IF, तो लेफ्ट IF, लेफ्ट IF में पी ज्वाइंट है, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि अग्नि है, अग्नि माने खुजली, तो खुजली बहुत हो रही थी तो अग्नि को कम कर दिया, जल और आकाश को बढ़ा दिया। हमारा तो बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है सर। यही मुझे जानना था कि अग्नि को जो सेडेट किया, कहने का मतलब ब्लड में गर्माहट बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई। हाँ भाई देखिए, जब भी कभी आपको ये लग रहा है कि खुजली हो रही, चुनचुनाहट है, खुजली है, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने क्या पढ़ा, उष्ण और तीक्ष्ण पढ़िए, वहां से चाइनीज वो उसमें अग्नि के वो उष्ण है और तीक्ष्ण है, जलन है, तो क्या चीज होगी, अग्नि बढ़ी है। अब ये तो मालूम हो गया अग्नि बढ़ी है, तो ये पहला प्रारंभिक हमारा, हम लोग उनके मत सोचे हृदय रोग, उन्होंने बताया था ना कि, तो उनकी रिपोर्टिंग आए होंगे हृदय रोग बताया था, तो सोचे होंगे कि ऑपरेशन न कराना पड़े, यहाँ चले आए। जब यहाँ चले आए तो उन्होंने कहा कि शरीर में खुजली है, तो हमारे यहाँ ये कहा गया खुजली है तो बर्निंग, बर्निंग हम लोग सिंपल सा, हमारा हमने बहुत बुद्धि नहीं किया, हमको लगे बर्निंग है तो पहले बर्निंग का इलाज, अगर बहुत आगे होता, अगर और होता मान तो इन्होंने क्या क्या देखिए। अच्छा आप लोग बताइए कोई, कि जब बर्निंग अगर है मान लीजिए, तो वो ये मान के चल दो चीज होती, या तो स्किन की बर्निंग मानते, तो स्किन की बर्निंग मानते तो क्या करते, तब आकाश को करते, आकाश करते, ठीक है, आकाश टिश्यू सर, स्किन टिश्यू को नहीं करेंगे क्या? अगर अगर हम लोग स्किन की बात करते, केवल स्किन में देखिए ट्रीटमेंट का पैटर्न समझिए, कई कई ट्रीटमेंट हो सकते थे। अग्नि मान लीजिए हम लोग कहते हम लोग पूरे शरीर में मान मानते, तो हम लोग कहते कि किस पर, स्किन पर, स्किन किस में है, वायु पे है ना, दोनों पे है, या तो वन में या टू में है, बस यही चीज में तो है ना, यस सर, या तो वन में या टू में है, क्योंकि रस वो आकाश वायु दोनों में, वायु में त्वचा भी है, इसमें भी त्वचा है, मान लीजिए चलिए हम लोग मान लेते, अब हम लोग इसमें मान लीजिए राइट में, तो राइट एसेट में हम लोग उपचार देते, तो राइट एसेट में अगर उपचार देते तो हम लोग बीच वाले में ज्वाइंट में मानते राइट एसेट पी ज्वाइंट, ठीक, और हम लोग यही ट्रीटमेंट दे सकते थे, थ्री फोर तो हम लोग क्यों दे रहे हैं बोलिए, तो पहला ट्रीटमेंट क्या, पहला ट्रीटमेंट क्या, जिसको कम करना है, पहला ट्रीटमेंट क्या है, जलन है, तो जलन को कम करना, तीन तीन सिगरेट, दूसरा काम करना है, अब हम लोग को और बेटर करना है, तो चार को टोन, फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग एक क्यों बढ़ाया, अगर एक का स्पेस हम बढ़ा देंगे तो जलन तो और जलन फैल जाएगी, तो फिर सर टू को भी सेडेट करेंगे कि आप ऑक्सीजन को सेडेट कर देंगे, हां सर देयर एग्री, वेरी गुड, हम टू को भी कर सकते हैं, अभी हम लोग सिंपल सब ट्रीटमेंट थ्री सेडेट और वन ऑफ फोर को हमने बढ़ा दिया ताकि हमारा स्पेस बढ़े, तो उससे और स्किन का, स्किन में है तो स्किन का, एक तो ट्रीटमेंट ये हो गया, दूसरा उन्होंने अब देखिए सीनियर अधिकारी थे, इतना उन्होंने कहा चिरकालिक लिखिए पढ़िए, चिरकालिक, चिरकालिक माने क्या हुआ, बहुत समय से, बहुत समय से क्रॉनिक हो गए, क्रॉनिक की वजह से उन्होंने समझा कि केवल ये सामान्य नहीं है किसी स्किन के किसी पार्ट में, ये कुछ और भी प्रॉब्लम है, तो और प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हमारे यहाँ क्या है, रस,
रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, यही तो है। यस सर। तो हमने कहा कि हमारे रस से रक्त बनता है, तो हमने कहा रक्त में कहीं गड़बड़ी हो गई। क्लियर, यहां तक क्लियर की नहीं? तो रक्त की जब गड़बड़ी हुई तो उन्होंने क्या किया, रक्त वाली भी हम लोग जानते हैं कि रक्त कहाँ पर है, तो रक्त की ठीक यही देंगे 2-3 1-4 टोन भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही पूर्वा। नंबर टू मान लीजिए हम लोगों को और आगे करना पड़ता, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, मान लीजिए ये तब भी ना ठीक होता तो हम लोग क्या कर सकते थे सर, नर्वस सिस्टम पे वर्क करते क्या, उधर थोड़ा बहुत कुछ करते क्योंकि टाइम है वो। अभी नर्वस सिस्टम की बात ही नहीं है, नहीं हमने एक दिन आपको बताया था जोड़ना, आप सहयोग सहयोग मैंने पूरा बताया था कि सहयोग क्या होता है। बताइए भोजन से क्या बना, आपकी भोजन नहीं है कोई कमी है तो क्या, अगर कोई कमी है तो कौन सा चीज बनेगी जो कमी हो जाएगी, सब ब्लड के लिए तो बात बन रहा है, पहले माने कंप्लीट है, रस बनेगा। हाँ तो रस बनेगा, तो रस 0 1 2 3 हम रस की बात कर रहे हैं, रस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पहुंचेगा तो रक्त बनेगा। तो हम लोग क्या करते, राइट इंडेक्स फिंगर 9th स्पाइरल, ठीक है, नहीं समझ पा रहा, बताया था इसको स्पेशली स्पाइरल में क्या हो जाएगा, रक्त बन जाएगा, और जब रक्त बन जाएगा तो इसके 0 इस वाली उंगली में 0 स्पाइरल, इस 0 स्पाइरल पे हम लोग ट्रीटमेंट करते रस और रक्त का, करते रस को 9 स्पाइरल में ले जाते और रक्त को 0 स्पाइरल में रखते और हम लोग ट्रीटमेंट यही करते 2-3 sedate 1-4 tone 0 tone 9 sedate। क्योंकि ये टिश्यू लेवल पे कर रहे हैं इसलिए हम स्पाइरल पे कर रहे हैं ना, नहीं हम लोगों ने पहले ये समझा, इससे इसको दिया इससे ठीक हो गया। देखिए पहले डॉक्टर के पास जाते हैं आप तो क्या देता है, पहले देता है कि भाई 300 mg वाली ले लो, 200 mg वाली ले लो, जब नहीं ठीक होता तो 500 mg देता है, याद करिए है ना, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देता है कि आप ये दिन में एक बार नहीं 3 बार लीजिए, इसलिए डोज हमारी डोज क्या है, पहले हमने डोज दिया 3 sedate 4 1-4 tone सिंपल ट्रीटमेंट हमने दिया इसी ठीक हो गया। लेकिन अगर नहीं ठीक होता तो हम लोग और सुपर ट्रीटमेंट देते तो हम कहते कि रस में गड़बड़ी तो नहीं है, दिमाग जाना चाहिए हमारा कि रस में गड़बड़ी तो नहीं है, जो रस अगर गड़बड़ होगा तो रक्त भी गड़बड़ होगा, तो हम लोग का रस को ठीक करना है, तो रस को हमने ठीक किया, रक्त को ठीक किया, रस रक्त को मीट, ये संयोग, ये जो संयोग है जोड़ना, इसको आपको सिखाने के उद्देश्य में बोलता हूँ, इसको सीख बहुत बड़ा संयोग है, बहुत बढ़िया अच्छा वो है, जोड़ना सक रस रक्त दो जोड़ दीजिए तो कोई भी प्रॉब्लम होगी ठीक हो जाएगी। ठीक आइए हम लोग जल महाभूत पे आए, जल पढ़े क्योंकि 6:41 हो गया, अब तो हम लोग जल ही में खत्म हो गए क्या, एक ही पढ़ा, एक ही हम लोग पढ़ पाए क्या, मैडम 6:45 को ज्वाइन करेंगी, मैडम अब हम लोग इसमें बहुत देर कर रहे हैं शायद, लेकिन फिर भी क्या करना, इसको पढ़ाना है, देखिए ये मेरा वो है पढ़ाना है, और पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि ये आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि दोबारा ये सेमेस्टर